इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जियोग्राफी में यूपीएससी में जो प्री एग्ज़ाम्स है या फिर मेंस एग्ज़ाम्स है इसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मेंस में पेपर वन में जियोग्राफी में ये पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज रामसर साइट्स के बारे में। क्या होती हैं रामसर साइट्स, क्या इसका इम्पॉर्टेंस है, कितने इंडिया में रामसर साइट्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कौन कौन से रामसर साइट्स हैं, तो चलिए इन्हीं पर आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रामसर साइट्स। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज रामसर साइट, किसे कहते हैं रामसर साइट। अ वेटलैंड इज अ प्लेस वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, जहां लैंड वाटर से कवर्ड है, या तो मार्शेस हो सकती हैं, दलदल भूमि, या पॉन्ड्स हो सकते हैं, तालाब, द एज ऑफ अ लेक और ओशन, द डेल्टा एट द माउथ ऑफ अ रिवर, लो लाइंग एरियाज दैट फ्रीक्वेंटली फ्लड, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड वेटलैंड्स। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर नोन एज रामसर साइट्स। तो जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स होते हैं उन्हें रामसर साइट्स कहा जाता है। जैसे ये देखिए, ये एक मार्शी लैंड है जहाँ पानी भरा हुआ है और उसमें बर्ड्स हैं, उसमें फिशेज हैं, उसमें डिफरेंट एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, तो ये कहलाता है पूरा रामसर साइट्स या फिर वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स, बहुत सारे वेटलैंड्स होते हैं जिनमें से कुछ वेटलैंड्स जो होते हैं इन्हें रामसर साइट्स का स्टेटस दे दिया जाता है, रामसर साइट्स का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है, तब इन्हें रामसर साइट्स कहने लगते हैं, वरना ये वेटलैंड्स तो होते ही हैं नॉर्मली। तो व्हाई वेटलैंड्स आर कॉल्ड रामसर साइट्स, तो वेटलैंड्स को रामसर साइट क्यों कहा जाता है। देखिए, ईरान में एक जगह है रामसर। तो 1972 में रामसर में एक कन्वेंशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ, एक मीटिंग हुई, और इस 1971 की मीटिंग में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज साइन किया गया। एक संधि, एक ट्रीटी की गई, एक डील साइन की गई, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज थी। अब ये जो ट्रीटी रामसर में साइन हुई, इस ट्रीटी की वजह से जितने भी वर्ल्ड में इंटरनेशनल वेटलैंड्स डिक्लेयर किए गए इन्हें रामसर साइट्स नाम दिया गया, और इसके अलावा द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दिस वाज द मेन मोटिव ऑफ द रामसर कन्वेंशन साइट थ्रू प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स इन ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड में वेटलैंड्स को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास था जो कि इंटरनेशनल लेवल पर साइन किया गया, और लगभग 171 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और आज भी 171 कंट्रीज इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको अपने यहाँ डेवलप कर रहे हैं, और इसके लिए फंड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फंड जनरेट कर रहे हैं। मोर देन 2300 वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो इस समय मोर देन 2300 वेटलैंड्स रामसर साइट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं, जिनमें केवल इंडिया में ही 75 वेटलैंड्स हो चुके हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड मोर देन 2300 वेटलैंड्स हैं, लेकिन इंडिया में ही अकेले 75 वेटलैंड्स रामसर साइट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो टुडे रामसर लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, पूरे विश्व में सबसे लार्जेस्ट एरियाज जो प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी में आते हैं वो रामसर साइट कहलाते हैं, रामसर साइट से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। देर आर करेंटली ओवर 2300 रामसर साइट अराउंड द वर्ल्ड। The world's first site of the Cobourg Peninsula, Australia में
एक जगह है छोटी सी जिसे कोबोर्ग पेनिनसुला कहा जाता है। कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड की सबसे पहली प्रोटेक्टेड रामसर साइट थी जिसे 1974 में प्रोटेक्ट किया गया था। तो ये 1974 की कोबोर्ग पेनिनसुला की साइट, इसे वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट कहा जाता है। द लार्जेस्ट साइट्स आर एनगिरी तुम्बा मेंडोम्बे, एनगिरी तुम्बा मेंडोम्बे ये सबसे लार्जेस्ट साइट है। रामसर साइट्स में सबसे बड़ी साइट जो है अभी तक की वो है एनगिरी तुम्बा मेंडोम्बे, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और क्वीन मॉड गल्फ इन कनाडा, यहां पर पाई जाती है। यहां पर ये लार्जेस्ट साइट्स हैं रामसर साइट्स में। दी साइट्स ईच कवर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जितनी भी साइट्स हैं, एनगिरी तुम्बा मेंडोम्बे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है और एक क्वीन मॉड गल्फ जो कनाडा में है, इनकी टोटल जो एरिया वाइज कवरेज है ये 60,000 प्लस एरिया कवर करती है। द कंट्रीज विद द मोस्ट साइट्स आर यूनाइटेड किंगडम विद 175 एंड मैक्सिको विद 142। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है 175, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको में है 142। बोलीविया हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया विद 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर अंडर रामसर प्रोटेक्शन। तो कंट्री वाइज बोलीविया में 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया जाता है रामसर साइट में। तो सबसे ज्यादा एरिया वाइज प्रोटेक्शन ऑफ रामसर साइट है बोलीविया में। तो देखिए इस टाइप के रामसर साइट्स होते हैं, कहीं जो रिवर या ओशन का जो बैंक होता है यहां पर रामसर साइट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, कहीं रिवर्स को ही रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, कहीं मार्शी लैंड, कहीं टोपोग्राफिकल फीचर्स, बर्ड सेंचुरीज, इन सबको रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे इंडिया में पिचावरम मैंग्रोव वेटलैंड्स, ये रामसर साइट्स हैं। साक्ष्य सागर रामसर साइट है, पल्लीकरनई मार्श ये रामसर साइट है, पाला वेटलैंड रामसर साइट है, करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी ये भी रामसर साइट है। सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग डिजिग्नेटेड अ रामसर साइट। तो रामसर साइट को डेजिग्नेट करने के लिए क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होनी चाहिए, चलिए यही हम लोग डिस्कस करते हैं। दीज वेटलैंड एरियाज आर लिस्टेड ऑन द कन्वेंशनल लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब जैसे स्मार्ट टू यूज एज मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, तो इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने वाला प्रोटेक्टेड एरिया रामसर साइट कहलाएगा। इसके अलावा इकोलॉजिकल, बोटैनिकल, जूलॉजिकल, लिम्नोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाला साइट रामसर साइट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। अब जैसे रामसर कन्वेंशन हुआ, इसमें रामसर कन्वेंशन फ्रेमवर्क साइन किया गया। This convention was adopted in the Iranian city of Ramsar in 1971 and came into force in 1975. तो साइन किया गया 1971 में, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ 1975 में। Since then, almost 90% of UN member states from all over the world geographical regions have acceded to become contracting parties. तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, 193 टोटल मेंबर्स हैं, इन 193 टोटल मेंबर्स में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 171 मेंबर्स इस रामसर कन्वेंशन के मेंबर हैं। तो ऑलमोस्ट 90% मेंबर्स हो गए
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की हुई है। अब जैसे इंडिया में एक वॉल्केनिक लेक है, जैसे वॉल्केनो होता है ना वॉल्केनो, इस वॉल्केनो के माउथ पर जब ये एक्सटिंक्ट हो जाता है, जब ये खत्म हो जाता है, तो जो माउथ होता है उसमें जब बारिश होती है तो बारिश से जो पानी कलेक्ट होता है तो उसे क्रेटर लेक या कॉल्डेरा लेक कहा जाता है। तो ये क्रेटर लेक है इंडिया में जिसका नाम है लोनार, लोनार क्रेटर। 45 स्क्वायर मीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, और इस 45 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये यूनिक फीचर है जिससे, जिसकी वजह से इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। नंदूर महेश्वर ये भी महाराष्ट्र में रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, द फर्स्ट कंटेम्पररी इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी इज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। जो ये पहली इंटरनेशनल कंटेम्पररी इंटर गवर्नमेंटल और एनवायरमेंटल ट्रीटी थी। द कन्वेंशन वॉज निगोशिएटेड थ्रू आउट द 1960s बाई नेशंस। तो ये 1960s से लगातार देशों के द्वारा निगोशिएट की जाती रही, इस पर डिस्कशन चलते रहे, इस पर कन्वर्सेशंस होते रहे, और फिर फाइनली 1971 में इस ड्राफ्ट को साइन कर लिया गया। रामसर इज अ फुल पार्टनर इन द बायोडायवर्सिटी रिलेटेड क्लस्टर ऑफ ट्रीटीज। तो ये रामसर जो है फुल पार्टनर होती है, जो भी जो वेटलैंड्स रामसर साइट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो रामसर साइट डिक्लेयर होने पर ये कंप्लीटली 100% प्रोटेक्टेड होती है रामसर कन्वेंशन से। अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मस्ट नॉमिनेट एटलीस्ट वन लोकेशन फॉर द रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस व्हेन इट जॉइंस द कन्वेंशन। तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, चाहे वो कंट्री गवर्नमेंट हो, चाहे वैसे तो कंट्री गवर्नमेंट ही ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जैसे इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट जब किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर करेगी तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहलाएगी। अ साइट इज गिवन द डिस्टिंक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन व्हेन इट इज एडेड टू द रामसर लिस्ट। द कन्वेंशन वर्क्स टुगेदर विद अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल पार्टनर्स टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव। तो कन्वेंशन जो है ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के साथ साइमल्टेनियसली वर्क करता है उस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। द फर्स्ट साइट इन द वर्ल्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 ऑन द कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहली रामसर साइट पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग पेनिनसुला थी, जिसे 1974 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। और इसके अलावा लार्जेस्ट साइट जो हम लोगों ने डिस्कस किए, रियो नेग्रो इन ब्राजील 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, एनगिरी तुम्बा मैंडोम्बे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्वीन मॉड गल्फ इन कनाडा, ये सब 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से भी बड़े एरियाज हैं जिन्हें रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 175, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 142 साइट्स के साथ मैक्सिको। 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बोलीविया में प्रोटेक्टेड एरिया है रामसर साइट से, उसके बाद फिर कनाडा, चैड, कॉन्गो, रशियन फेडरेशन, इन सब में भी लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं रामसर साइट से। द स्ट्रक्चर ऑफ रामसर साइट कन्वेंशन इज एज फॉलोज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस बॉडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहा जाता है, जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की उसे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहा जाता है, और इनकी कॉन्फ्रेंस होती है रामसर में हर साल। दिस हाईएस्ट अथॉरिटी इवेल्युएट्स द कन्वेंशंस डेवलपमेंट। ये सबसे बड़ी हाईएस्ट बॉडी है रामसर साइट्स की, जो
इवैल्यूएट करती है परफॉर्मेंस को. इन एडिशन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैज द अथॉरिटी टू अमेंड द कन्वेंशन. तो इसके पास इतनी अथॉरिटी भी होती है कि ये अमेंड कर सके कन्वेंशन को. जो भी फ्रेमवर्क साइन किया गया था, ड्राफ्ट साइन किया गया था, उसको अमेंड भी कर सकती है. द स्टैंडिंग कमेटी इज द इंटरसेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स द कॉप इन बिटवीन इट्स ट्राइएनुअल मीटिंग्स. The contracting parties that make up the standing committee are chosen to serve 3 years term at each COP meeting. तो 3 साल के लिए एक हेड चुना जाता है जो कि conference of party meeting को control और chair करता है. Conference of parties, the standing committee and the Ramsar Secretariat receive recommendations from the scientific and technical review panel on scientific and technical issue. तो scientific और technical issue पर एक review panel sign किया जाता है जो कि बताता है कि कैसे Ramsar sites की performance और protection develop करना है. 3 pillars of Ramsar Convention. Under the 3 pillars of convention, conference of parties commit to. तो ये 3 pillars हैं, देखिए 1, 2 and 3. Work towards the wise use of all their wetlands. Designate suitable wetlands for the list of wetlands. Cooperate internationally on transboundary wetlands. अब एक और अकॉर्ड हुआ था जिसका नाम था Montreux Record. Montreux Record is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance where changes in the ecological character has occurred, are occurring or are likely to occur as a result of technological developments, pollution or other human interference. It is maintained as part of Ramsar list. तो Montreux रिकॉर्ड एक रजिस्टर है जो वेटलैंड्स जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स हैं इनको रजिस्टर करता है, इनको रखता है, इनको एनालाइज करता है, इनको सुपरवाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है. Ramsar साइट्स इन इंडिया. इंडिया इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू Ramsar कन्वेंशन साइंड इन Ramsar ईरान इन 1971. तो इंडिया ने भी 1971 में ही साइन किया था Ramsar कन्वेंशन को और इंडिया भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP जो Ramsar कन्वेंशन की है इनमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है. इंडिया साइंड इट ऑन 1 February 1982 ड्यूरिंग 1982 टू 2013 अ टोटल ऑफ 26 साइट्स वर एडेड. तो 1 फरवरी 1982 को इंडियन गवर्नमेंट ने Ramsar कन्वेंशन को साइन किया और 1982 से 2003 तक इंडिया में केवल 26 Ramsar साइट्स हुआ करती थी. फिर उसके बाद 1982 से 2013 तक इंडिया में केवल 26 Ramsar साइट्स हुआ करती थी. फिर 2014 से लेकर के 2023 तक इंडिया में 49 और नई Ramsar साइट्स डिक्लेयर की गई. तो अब इंडिया में एट प्रेजेंट 75 Ramsar साइट्स हो गई हैं. तो देखिए ये हैं Ramsar साइट्स, 75 Ramsar साइट्स इन इंडिया एज ऑन January 2023. अष्टमुड़ी वेटलैंड केरला में, भितरकनिका ओडिशा में, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, चिलिका ओडिशा, दीपोर बील आसाम, ईस्ट कैलकटा वेटलैंड्स वेस्ट बंगाल, हरिके लैंड पंजाब, होकेरा वेटलैंड्स जम्मू कश्मीर, कांजी पंजाब, केवलादेव राजस्थान, लोकटक मणिपुर, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात,
एलिमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रोपड़ वेटलैंड पंजाब, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, सांभर लेक राजस्थान, सस्थम कोट्टा लेक केरला, सुरिनसर मानसर लेक्स जम्मू कश्मीर, टी सोमोरीरी जम्मू कश्मीर, अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश, वेमनाड केरला, वुलर लेक जम्मू कश्मीर। तो ये कुछ लेक हैं जो रामसर साइट्स में आती हैं। 75 तो नहीं है ये, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं इंडिया की। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रामसर कन्वेंशन साइट्स। टोटल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 171 हैं। एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग द कन्वेंशन ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अंडरटेक्स टू डेजिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड साइट फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स। तो जब भी कोई नई पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बनती है रामसर साइट में, तो कम से कम एक साइट को उसे रामसर साइट डिक्लेयर करना ही होता है। The inclusion of Ramsar site in the list embodies the government's commitment to take the steps necessary to ensure that its ecological character is maintained. तो जब भी किसी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है, तब ये उस गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, साथ में रामसर कन्वेंशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कि उसका इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। वेटलैंड्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट acquire a new national and international status. They are recognized as being of significant value not only for the country or the countries in which they are located but for humanity as a whole. To is list mein international status maintain kiya jata hai Ramsar site ka, aur uska significance maintain kiya jata hai. There are 9 criteria for identifying wetlands of international importance. तो 9 criterias हैं उन wetlands को जिनकी international importance है उसको select करने के लिए। There are 6 Ramsar regions. इस समय 6 Ramsar regions हैं Ramsar sites में। 2nd of February हर साल International Wetlands Day मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ट्रीटी पर साइन किए गए थे 1971 में। The Ramsar Sites Information Service RSIS is a searchable database which provides information on each Ramsar sites. तो Ramsar Sites Information Service एक डाटाबेस है जिसको सर्च करके रामसर साइट्स की इंफॉर्मेशन पता की जा सकती है। The Ramsar Convention works closely with 6 other organizations known as international organization partners. तो Ramsar Convention के 6 और service partners हैं, organizations हैं, जिन्हें IOPs कहा जाता है, international organization partners. International organization partners IOPs कहा जाता है। इनकी संख्या है 6, और ये 6 पार्टनर्स हैं, ये 6 IOPs हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IWMI, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन इंटरनेशनल, वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट। ये 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं रामसर कन्वेंशन के। वेटलैंड्स आर एसेंशियल टू ह्यूमन सर्वाइवल। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव होने के लिए वाटर बहुत ज्यादा नेसेसरी एंटिटी है, और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशंस को भी ये
उसी टाइप में मिले जिस टाइप में हम लोग इसका यूज कर पा रहे हैं. दे आर अमंग द प्लैनेट्स मोस्ट प्रोडक्टिव हैबिटेट्स सप्लाइंग द वाटर एंड प्रोडक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज. वेटलैंड्स आर क्रूशियल फॉर ह्यूमैनिटीज मैनी एडवांटेजेस और इकोसिस्टम सर्विसेज विच वेरी फ्रॉम फ्लड मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्लाइमेट चेंज इरीगेशन फ्रेश वाटर सप्लाई फूड एंड बिल्डिंग मटीरियल्स एंड बायोडाइवर्सिटी. तो हर अलग अलग जोन में पानी की वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है और इसीलिए वाटर को उनकी स्पीशीज के साथ प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा साइंटिफिक एडवांसमेंट होंगे वैसे वैसे ये और ज़्यादा हाईलाइट की जाती रहेंगी और ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा. तो आज इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. जाने से पहले हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए जो हम लोग ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11th जनवरी, 21st जनवरी, 1st जनवरी या फिर 2nd जनवरी. तो इसका